बीती रात थी, यह पूर्णमासी की रात, इसको हमारे यहाँ बहुत समय से ये जो बैसाख पूर्णिमा की रात है इसे बुद्ध की रात्रि कहा जाता रहा है। और इसका भी समय है कल दोपहर से लेकर के तिथि के अनुसार लगभग 9:45 बजे तक इसका विस्तार माना गया है। थोड़ी कुछ चर्चा, थोड़ी कुछ बातें बुद्ध के जीवन, उनके व्यक्तित्व और उनकी रहनी, उनका प्रभाव, बहुत सी चीजें आप जानते होंगे उनके बारे में जो आपने स्कूल में पढ़ी होंगी, वो सब बातें, कुछ थोड़ी और बातें बुद्ध का शरीर जब छूटा, जन्म नहीं, बुद्ध का जब शरीर छूटा तो उस घटना को पत्थर पर टांक दिया गया। आज की जो भाषा है देवनागरी, जो लिपि है, वह लिपि भी नहीं थी उस समय। और ये जो हम साल नापते हैं जिससे, ये सब भी नहीं थे, कुछ दूसरा ही गणित चलता था। लेकिन उस घटना को लिख दिया गया और जब इतिहास लिखे जाने की बात हुई तो भारतीय इतिहास की पहली जो प्रामाणिक घटना मिलती है वह है बुद्ध का शरीर छोड़ना और गुड़ा भाग करके यह पाया गया कि 483 ईसा पूर्व बैसाख पूर्णिमा के रोज बुद्ध का शरीर छूटा। उस समय उनकी उम्र 80 वर्ष थी। अस्सी वर्ष की उम्र जब निर्धारित हो गई बुद्ध की, तब फिर उनका एक जन्म का वर्ष भी तैयार कर लिया गया। और संयोग ऐसा कि उसी रात्रि को उनका जो ज्ञान प्राप्ति का जो समय है वह भी निर्धारित कर दिया गया। तो यह जो बैसाख पूर्णिमा है यह बुद्ध का जन्म भी है, बुद्ध का शरीर छोड़ना भी है और बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति का दिन भी है। ये तीनों घटनाएं अलग अलग देश काल में एक ही रात हुई। बुद्ध का अर्थ होता है सावधान, होशपूर्ण। बस जैसे एक बारात है और सबने शराब पी रखी है, गिने चुने एक दो लोग हैं जिन्होंने नहीं पिया, तो जिन्होंने पी रखी है उन पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। ब्याह का कार्यक्रम कब होगा, कैसे होगा, वो तो सब पिए हुए हैं। वह जो एक दो लोग जिन्होंने नहीं पी रखी है उन पर पूरी जिम्मेदारी पड़ती है विवाह की व्यवस्था की। क्यों? क्योंकि वो होश में है, इसलिए
और बाकी सब तो पहले से ही बता रखे भाई कि हमारी तुम परवाह, हमें तो माफ करना, हम तो आज दूसरी दुनिया में हैं। तो बुद्ध का अर्थ होता है जो होश में हो और इस संसार में वह दूसरों को जब बेहोश देखता है तो उनकी जिम्मेदारी लेने की वह कोशिश करता है। जैसे गांव है उसमें सब बीमार ही हैं लेकिन एक डॉक्टर है बस, तो डॉक्टर इसलिए डॉक्टर है, पहली चीज तो वह है कि वह स्वयं बीमार नहीं है, दूसरा वह दूसरों को ठीक कर सकता है इसलिए वह डॉक्टर है। तो ये थोड़ा सा समझ लें, ज्ञानी इस दुनिया में अल्पसंख्यक ही होते हैं, बहुसंख्यक नहीं होते हैं, वो बहुत थोड़े से लोग होते हैं लेकिन उन पर जिम्मेदारी बहुत ज्यादा होती है। और पहली शर्त यही है कि वो होश पूर्वक जी रहे हों। एक चीज मैं और कह दूं, ज्ञानी होने का मतलब यह नहीं होता है कि बड़ा आनंदित होगा, बड़ा सुखी होगा। किसी मां का कोई बच्चा बिगड़ता हो, किसी स्त्री का पति गलत संगत में पड़ करके बिगड़ रहा हो तो उस स्त्री की पीड़ा और उस मां का दुख क्या आप समझ सकते हैं कैसा होगा? तो बुद्ध होने का अर्थ होता है ज्ञानी होना, होशपूर्वक होना। अब जो आदमी इतना होशपूर्वक हो वह जब अपने साथियों के बेहोशी की हरकतों को देखता है तो कैसे खुश होगा? नहीं हो पाएगा खुश। वह जो स्वयं जीता और करता है वह तो ठीक है लेकिन जिनके लिए वह प्रयासरत है वो उसके अनुसार नहीं चल पाते, उसकी सीमा से बाहर है वो। आपने श्री अरविंदो का नाम सुना है? पौंडिचेरी में एक बंगाली बाबू थे, उनका नाम है श्री अरविंद। 1950 में वो मर गए। कुछ दिन उन्होंने देश की आजादी के लिए काम किया था, फिर अंग्रेजों से डर करके भाग गए। तो पौंडिचेरी में उस समय फ्रांसीसियों का अधिकार था भारत में। पौंडिचेरी एक छोटी सी जगह है पूर्वी साइड में, ईस्टर्न कोस्ट पे। उस समय वहां फ्रांसीसियों का अधिकार था, अंग्रेजों का अधिकार नहीं था। तमिलनाडु में पड़ता है वह क्षेत्र। तो वो पांडिचेरी चले गए समुद्र किनारे और वो फिर सन्यासी हो गए, एक तरीके के योगी हो गए, उनको योगी कहा जाता है। फ्रांस से एक महिला उनके पास आई और कुछ दिनों में अरविंदो ने अपना सारा व्यवस्था का भार उस महिला को दे दिया। उसका नाम उन्होंने मीरा रखा था और वह अपने शिष्यों को कोई नाम जप करने को कहते थे तो कहते थे ओम श्री अरविंद मीरा। अपना और उस महिला मीरा का नाम जोड़ करके मंत्र दिया करते थे अपने शिष्यों को। आज भी कई सौ एकड़ में पौंडिचेरी में अरविंदो का आश्रम बना हुआ है, पूरी दुनिया से लोग वहां आते हैं। उसको अरविंदो ऑरविलो कहते हैं, ऑरविलो फ्रेंच नाम है, इसका मतलब होता है विलेज, गांव, अरविंदो का गांव। अरविंदो ने एक जगह लिखा है, मैं जिस काम के लिए इस लाइन में लगा था उसका 9/10 समय आश्रम और शिष्यों के मन मुटावों को दूर करने में ही बीत जाता है। 9/10 ऊर्जा, समय, शक्ति जो मुझे साधना में लगाना चाहिए था वह आश्रम में, आश्रम की गतिविधियों में और शिष्यों के आपसी मन मुटावों को दूर करने में ही चला जाता है मेरा समय। मेरा 9/10
और मीरा को तो पूरा टाइम इसी में लगा रहता है। शिष्यों की दिक्कतें, आश्रम की व्यवस्था, उनमें अनबन होना, इसी में मेरा पूरा समय जाता है। उन्होंने स्वीकार कर लिया। जब गुरु के पास थोड़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती है तो गुरु का काम यही रह जाता है, उनके लिए तुम खाने पीने की व्यवस्था करो और उनके आपसी जो हित टकराते हैं, स्वार्थ टकराते हैं, उनको किसी तरीके से सुधारते रहो, बस हो गया। दुख होता है, ज्ञानी को दुख होता है, ऐसा नहीं सब अच्छा ही होता है, लेकिन ज्ञानी वही है जो सावधान रहे, ज्ञानी वही है जो दुखी ना हो, ज्ञानी वही है जो पीड़ित ना हो। कबीर साहब ने कैसे कहा है, फहम आगे फहम पाछे, फहम दाहिने डेरी, फहम पर जो फहम करे सो फहम है मेरी। दाहिने बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे, आप सड़क पर चलें, इतना ही नहीं करना है कि आप किसी से टकराएं नहीं, यह भी देखना है कि कोई आपसे न टकरा जाए। जब इतनी सावधानी से चलाते हैं और समय संयोग रहता है तब आप टकराने से बचते हैं, तब कहीं सकुशल वापस आ पाते हैं घर। आगे वाले से तो आप नहीं टकराएंगे, पीछे वाला आकर के आपको पीछे से ठोंक दे तो क्या करेंगे। तो उसमें इतना सावधानी रखनी होती है कि आगे वाले से भी बचें और पीछे वाले से भी बचें। जिसमें इतनी सावधानी हो, इतनी कुशलता हो, वही सड़कों पर सुरक्षित बचा रहता है। जीवन भी ऐसे ही है। इसलिए बुद्ध का अर्थ ही होता है जो बहुत सावधान होकर के जीवन जिए। बुद्ध का जन्म भारत और नेपाल के बीच में एक तराई वाली जगह है लुम्बिनी, वहां जन्म हुआ था। बिहार में एक जगह है गया, बोध गया उसे कहते हैं। अब गया बुद्ध की वजह से मशहूर नहीं है, अब गया अपने पंडों की वजह से मशहूर है, कर्मकांड कराने वाले पंडों से। और तीसरी जगह है सारनाथ और चौथी जगह है कुशीनारा। बुद्ध के जीवन से ये चार जगहें हैं जो मूल्यवान मानी जाती हैं। कुशीनारा वो जगह है, कुशीनगर, जहां बुद्ध का शरीर छूटा था। 80 बरस की उम्र में साल के दो वृक्षों के नीचे उन्होंने अपने साथी से कहा, मेरा असला बिछा दो, मैं थोड़ा यहाँ पर लेटूंगा। लेटे हैं, अपने ही हाथ का तकिया बना करके वो लेट गए हैं और अपने साथी से कहा, अब शायद जाने का वक्त आ गया है। और उनका शरीर शांत हो गया है। वहां पर अगर कभी जाने का अवसर पड़े आपको तो आप देखेंगे एक विशाल आदमकद प्रतिमा दाईं तरफ दाईं करवट पर लेटी हुई है। और नेहरू जी जब प्रधानमंत्री हुए थे देश आजादी के बाद, तो उस पर सोने का पानी चढ़ा दिया गया। वो जंगल है, अभी भी जंगल है, लोग जाते हैं, दुनिया भर से बुद्ध के प्रेमी आते हैं, वहां बैठते हैं, ध्यान करते हैं, कर्म कांड कुछ नहीं होता है, बस कुछ अगर कुछ बत्ती कुछ दीप बस यही जलता है। सारनाथ वो जगह है जहां उन्होंने पहली बार प्रवचन किया था। उस समय सारनाथ महत्वपूर्ण नहीं थी, बनारस महत्वपूर्ण था, काशी, लेकिन बुद्ध काशी नहीं गए, सारनाथ गए, वहां से थोड़ी दूरी पर, वहीं पर उन्होंने प्रवचन किया। क्यों?
क्योंकि जो बुद्ध का प्रवचन था, जो बुद्ध का सिद्धांत था, वह काशी के विपरीत था। काशी ब्राह्मणों की नगरी, कर्मकांड, यज्ञ, शास्त्र अध्ययन, शास्त्रार्थ और नदी का स्नान, बुद्ध की सारी फिलॉसफी इसके खिलाफ थी। वो बनारस नहीं गए, वो सारनाथ में ही रुके रहे। वहीं पर उन्होंने लोगों को चेताया। ये चार जगहें बुद्ध के जीवन से आज भी प्रभावित हैं। बुद्ध लोग कहते हैं, बुद्ध बुद्ध शब्द का बिगड़ा हुआ अर्थ है। बुद्ध बुद्ध शब्द का बिगड़ा हुआ रूप है। बुद्ध बुद्ध माने बुद्ध अरबी का शब्द है। बुद्ध का अर्थ होता है मूर्ति। बुद्ध का इतना प्रभाव रहा अपने जीवन में कि उनके जाने के बाद बुद्ध की मूर्तियां बनने लगी। और मूर्तियां कैसी बनती थी? 100-100 फीट की मूर्तियां, पूरे पहाड़ को काट कर की मूर्ति बनाई जाती थी बुद्ध की। आप आश्चर्य कर रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। एक पहाड़ है पूरा का पूरा पत्थरों का, कई 100 फीट, कई 1000 फीट का। राजा मूर्ति बनाने के लिए उस पूरे पहाड़ को ही दे देता था कि इस पहाड़ की ही मूर्ति बना दो, पहाड़ पे मूर्ति मत बनाओ, पहाड़ की ही मूर्ति बना दो। और वह मूर्ति इतनी दूर से दिखाई देती थी, 100 किलोमीटर से, 80 किलोमीटर से। जैसे पहाड़ दूर से दिखाई पड़ता है, पिरामिड दूर से दिखाई पड़ते हैं मिश्र के, वैसे ही बुद्ध की मूर्तियां इतनी बड़ी बनी कि कई कई किलोमीटर से दिखा करती थी। बामियान एक जगह है जहां उन्होंने अभी बुद्ध की मूर्ति को उड़ा दिया, उन्होंने बारूद से उड़ा दिया, हवाई जहाज से बारूद ले आकर के मिसाइल ले आकर उसमें छोड़ दिया। इतनी मूर्तियां बनी बुद्ध की कि बुद्ध का मतलब होने लगा बुद्ध ही। बुद्ध और महावीर की ढेरों ढेरों मूर्तियां बनी। इसका प्रभाव हिंदू धर्म पर इस तरीके से पड़ा कि यहां लोगों ने अपने देवी देवता की मूर्तियां बनाने शुरू कर दी। गुरुजी इस बात को कई बार कहा करते थे कि हिंदुओं के यहाँ जो मूर्ति पूजा शुरू हुई वह बौद्धों के यहाँ से आई। बुद्ध की इतनी महिमा गाई गई। एक राजा था कनिष्क नाम का, उसकी राजधानी पेशावर थी जो कि पाकिस्तान में है। वह पहला बुद्ध का अनुयायी हुआ और उसने बुद्ध की मूर्तियां बनाने शुरू की। बहुत बनवाई और उसमें चढ़ावा चढ़ने लगा। तो हिंदुओं को लगा कि हम भी अपने देवी देवताओं की मूर्तियां बनवाएं। इस तरीके से मूर्ति पूजा हिंदुओं में शुरू हुई, बौद्धों और जैनों की देखा देखी। बुद्ध का जो ज्ञान था हिंसा रहित, कर्मकांड रहित, वह भी हिंदुओं ने स्वीकार लिया। नहीं तो हिंदुओं के यहाँ तो बलि बहुत चढ़ती थी, यज्ञों में हिंसा बहुत होती थी, जात पात बहुत ज्यादा थी, कर्मकांड बहुत ज्यादा था, शास्त्रों को प्रमाण ईश्वरीय मानने का एक रिवाज था। एक आदमी ने बहुत मेहनत किया, बहुत वर्षों तक लगा रहा और उसका प्रभाव यह हुआ कि हिंदुओं ने उनके विचारों को भी स्वीकार किया और उनके व्यक्तित्व को भी स्वीकार किया। मैं एक थोड़ा सा और बात कहूं व्यक्तित्व पर। आदमी का विचार कैसा भी हो, विचार से ज्यादा मूल्यवान उसका व्यक्तित्व होता है।
जिस ढंग से वह अपना जीवन जीता है वह ज्यादा कीमती है बजाय कि वह क्या बोलता है। बौद्ध ग्रंथों में इस बात को खास ध्यान रखा गया है कि बुद्ध का जो शील है, जो संयम है, बुद्ध को कभी गुस्सा नहीं आता, बुद्ध कभी आक्षेप नहीं करते, बुद्ध कभी आलोचना में नहीं पड़ते, बुद्ध कभी कटु नहीं बोलते, बुद्ध कभी प्रतिक्रिया में नहीं पड़ते। जब कोई उनसे विरोधी मिलने आता है तो बुद्ध उससे बात करते हैं, कहीं ऐसा नहीं दिखा कि विरोधी आया और बुद्ध क्रोधित हो गए हों, कहीं ऐसा नहीं आता। तो जो बुद्ध का जो संयम है, जो शील है, द वे ही कैरीज, द वे ही कंडक्ट्स, जिस तरीके से वो लोगों से व्यवहार लेते हैं, वो वैसा कोई और नहीं मिलता है। कबीर भी कह बैठते हैं, सांच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपति आई, लोग मुझे मारने दौड़ते हैं कई बार, कहे बिना मुहि रहा न जाई। कबीर कहते हैं झूठ को देख लेता हूं तो उसको उसका खंडन किए बिना मैं रह नहीं पाता हूं। ये उनके स्वभाव की थोड़ी सी विशेषता पता चलती है। बुद्ध के जो ग्रंथ हैं उसमें कहीं नहीं आता, कभी नहीं आता कि बुद्ध आवेग में आए हों, क्रोधित हुए हों, गुस्से में पड़े हों, नहीं। और सबसे खूबसूरत बात कि बुद्ध ने समानता की बात कही। हिंदुओं ने, हिंदू कहना ठीक नहीं है, ब्राह्मणवाद ने उस समय एक बड़े तबके को शूद्र कहकर के समाज से बाहर बहिष्कृत कर रखा था। उन्हें न शास्त्र पढ़ने का अधिकार था और न ही उस ढंग से धर्म कर्म करने का, न ही संपत्ति रखने का। बुद्ध एक पहले आदमी हैं जिन्होंने शूद्र कहे जाने वाले लोगों को अपने पास रखा, उनको अपने समकक्ष बैठाया। ये पहली बार हुआ था और इसका प्रभाव ये हुआ कि आज भी वो लोग जिन्हें आप दलित कहते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं अपने आप को बुद्ध बौद्ध धर्म से जोड़ करके देखते हैं। लेकिन चूंकि हिंदुस्तान से बौद्ध खत्म है, इसलिए बड़ी मजबूरी में वो लोग हिंदू धर्म की फोल्ड में हैं। और बहुत से ऐसे लोगों ने इस्लाम स्वीकारा है, क्रिश्चियनिटी स्वीकारा है। क्यों? क्योंकि बौद्ध धर्म का एक तरीके से विनाश है इस देश में। एक सामान्य सी बात है, आदमी जिससे व्यवहार लेता है उसका स्वभाव, उसका संस्कार उसमें शामिल हो जाते हैं। इसको मैं थोड़ा और साफ करूं, कोई किसी से लड़ाई करे और लड़ने वाला गाली देने के स्वभाव का हो, तो जो गाली देता है उसका स्वभाव उसके साथ जो लड़ रहा है उसमें भी आ जाएगा। बुद्ध के जाने के बाद जब तक बुद्ध थे, जब तक बुद्ध को राजाओं ने सहयोग किया, तो बौद्ध धर्म उठता चला गया। लेकिन फिर बुद्ध की बड़ी महिमा गाई जाने लगी, उनका सदाचार कम हो गया और उन्होंने महिलाओं को भी बौद्ध धर्म में साधु होने की छूट दी थी। तो बुद्ध जानते थे कि स्त्री और पुरुष कहीं भी रहेंगे, अगर वो दोनों राजी हो जाएंगे तो उन दोनों को रोक पाना मुश्किल होगा। बुद्ध इस चीज को जानते थे। लेकिन जब स्त्रियों ने कहा कि हम क्यों नहीं भिक्षु हो सकते हैं, भिक्षुणियां क्यों नहीं हो सकते हैं, तो उन्होंने छूट दिया। लेकिन फिर क्या हुआ कि कुछ नैतिकताएं, कुछ सदाचार
खत्म हुए। लेकिन बुद्ध ने ऐसा किया, स्वीकारा था, वो जानते थे कि हो सकता है इससे मेरे मूवमेंट, मेरे मिशन, मेरे आंदोलन पर फर्क पड़े, लेकिन उन्होंने महिलाओं को भी साधु भिक्षुणी बनने की छूट दी थी। और उस समय जिसको आप बिहार कहते हैं, उस क्षेत्र में बुद्ध के इतने स्तूप बने, इतने मंदिर बने कि पूरी जगह को ही बिहार कहने लगे। वो हिंदुओं के संस्कार बौद्धों में गए और बौद्धों के संस्कार हिंदुओं में गए। बुद्ध ने जो कर्मकांड से छूट दी, बुद्ध ने जो कर्मकांड को तोड़ा, जो नैतिकता, जो सदाचार पर जोर दिया, जो अहिंसा पर जोर दिया, उसका असर यह हुआ कि हिंदुओं के यहां से कर्मकांड कम हुए, शास्त्रों पर जो जोर था वो कम हुआ। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि शास्त्रों को मैं प्रमाण मानता हूं। ये घटना तो मैं कई बार कहा करता हूं कि बुद्ध एक बार बोल रहे थे तो उन्होंने कुछ ऐसी बात कही तो लोग खड़े हो गए। उन्होंने कहा, आप जो कहते हैं वो हमारे शास्त्रों के खिलाफ है। तो बुद्ध ने कहा, तुम अपने शास्त्रों को संशोधित कर लो, जो लिखा है उसको काट दो। मैं जो कहता हूं और आपके शास्त्रों में जो लिखा है तो टकराहट है, तो शास्त्रों को तुम काट दो, उनको शोधित कर दो। कुछ उन्होंने ऐसी बातें भी कही जो शास्त्रों में नहीं थी। तो लोगों ने कहा, आप जो कहते हैं वैसा हमारे शास्त्रों में नहीं लिखा है। बुद्ध ने कहा, अपने शास्त्रों में उसको लिख लो। शास्त्रों से हट करके अपने अनुभव से जो बुद्ध ने कहा वो शायद पहली बार था। इतनी हिम्मत से उस आदमी ने जीवन जिया, वो सबके लिए बहुत प्रेरणास्पद है। तो बुद्ध की तमाम सारी बातें हिंदुओं ने ले ली और हिंदुओं की कुछ बातें बौद्धों ने ले ली। और हुआ क्या कि बौद्ध हिंदुओं में मिल गए और थोड़े से कुछ बौद्ध थे वो मुसलमान हो गए। तो आप जानते हैं हिंदुओं के बहुत सारे मंदिर हैं जो पहले बौद्धों के मंदिर हुआ करते थे, हिंदुओं ने वहां कब्जा कर लिया है। कोणार्क का मंदिर, ये जो पुरी का मंदिर है जहां शंकराचार्य बैठते हैं, ये बौद्धों का मंदिर है। मूर्तियां उसके यहां, उनके यहां मूर्तियां लकड़ी की मूर्तियां हैं, कृष्ण, बलराम और उनकी बहन, पत्नी नहीं बहन की लकड़ी की मूर्तियां हैं। वहां पर पहले बुद्ध की मूर्तियां थी, उन मूर्तियों को हटा दिया गया। तो जब मुसलमानों ने हिंदुओं के मंदिरों पर कब्जा किया, उनको तोड़ करके मस्जिद बनाया, तो हिंदू कहते हैं कि पहले ये मंदिर हुआ करते थे, अब ये मस्जिद हैं, हम इन मस्जिदों को वापस लेंगे। वो चाहे अयोध्या की हो, चाहे बनारस की ज्ञानवापी हो, या कि मथुरा की हो। लेकिन हिंदू कभी ये नहीं कहते कि बौद्धों के जिन मंदिरों पर हमने कब्जा किया है उन मंदिरों को हम छोड़ देंगे। हिंदू कभी नहीं कहते हैं। तो जो बौद्ध हुआ करते थे कभी, वो अब हिंदू है। और अब हिंदू इस कदर हो गए हैं कि उन्हें याद ही नहीं है कि कभी हम बौद्ध थे। और अब सब एक ही रंग में रंग गए हैं। क्या रंग है? आत्मज्ञान छूट गया है, साधना छूट गई है, चिंतन छूट गया है, और क्या बचा है? मंदिर बचे हैं बस। और कल भी मैंने निवेदन किया था, कर्म फल के सिद्धांत को मंदिर सीधे काटते हैं,
आप जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। अगर इससे बचना है तो देवी देवताओं की उपासना करो, पूजा करो, बस। इसीलिए मंदिर बनाए जाते हैं, इसीलिए मंदिर बनाए गए हैं। तो मंदिर सीधे सीधे हमारे विज्ञान को, हमारे दर्शन को, हमारे मूल सिद्धांत को काटते हैं। लेकिन अब मंदिरों का ही जमाना है, मंदिर ही चल रहे हैं। कभी कभी मैं सोचता हूं कि अगर हम सचमुच अगर बुद्ध की बातों को समझे होते तो आप समझते हैं क्या होता। बुद्ध और कबीर हिंदुस्तान की दो आंखें हैं, बुद्ध और कबीर हिंदुस्तान की दो आंखें हैं। दोनों में लगभग 2000 वर्षों का अंतर है, लेकिन बुद्ध ने जो पाली में कहा, बुद्ध ने जो गांव की भाषा में कहा, वही उनके 2000 वर्षों के बाद कबीर ने कहा। कबीर के समय में मुसलमान आ चुके थे, उन्होंने कभी नहीं कहा मुसलमानों को भगाओ यहां से, मुसलमानों को बांग्लादेश और पाकिस्तान खदेड़ो। कबीर ने कहीं नहीं कहा, उन्होंने बस समझाया। मैं आपसे एक बात कहूं, जब मुसलमान इस देश में नहीं थे तब भी हिंदू लड़ते थे और बुरी तरीके से लड़ते थे, आपस में लड़ करके कट करके मर जाते थे। पांडव और कौरव हिंदू और मुसलमान नहीं थे, लेकिन इस देश का जो सबसे भीषण युद्ध है वह महाभारत माना जाता है, उसमें मुसलमान कहां थे। और अगर कल मुसलमान नहीं रहेंगे, सिर्फ हिंदू ही रहेंगे, तो भी लड़ाई जारी रहेगी, आपस में लड़ेंगे। बहुत से गांव हैं जहां मुसलमान नहीं है, सिर्फ हिंदुओं की जनसंख्या है, क्या वहां लड़ाइयां नहीं होती हैं? क्या वो एक दूसरे की बहन बेटी की इज्जत नहीं लूटते? क्या उनकी चोरियां नहीं करते? करते हैं। तो अगर कोई ये समझे कि हिंदुओं और मुसलमानों में लड़ाई, अगर मुसलमान खत्म हो जाएंगे तो लड़ाई नहीं होगी, तो आपस में लड़ेंगे। किसी को भगाना, किसी को हटाना, उसका समाधान नहीं हो सकता है। आज के समय में जो बौद्ध थोड़े से बचे भी हैं तो बस नकल हैं, ब्राह्मणों की नकल हैं। उनके यहां भी मंदिर हैं। कभी आपको अवसर हो जाने का बोध गया तो एक पेड़ है, उस पेड़ के नीचे दुनिया भर के बौद्ध आते हैं, बैठते हैं, इकट्ठे होते हैं और वो थोड़े थोड़े कर्मकांड करते हैं। बस कोई ज्ञान चर्चा नहीं करता, कोई समझाता बुझाता नहीं है, बस कर्मकांड करते हैं। तो जैसे ब्राह्मण हमारे यहां हिंदुओं में कर्मकांड करते हैं, वैसे ही कर्मकांड बौद्धों में होने लगा है, और कुछ नहीं है। तो ये जो कर्मकांड है इसने दोनों को एक जैसा बना दिया है। तो मैं बौद्धों की चर्चा नहीं करता, मैं हिंदुओं की चर्चा नहीं करता, मैं बुद्ध की चर्चा कर रहा हूं और कबीर की चर्चा कर रहा हूं। और धीरे धीरे एक दिन बौद्ध इस देश में, इस देश से विदा हो गए, चले ही गए। जैसे लोग दाल छौंकते हैं ना तो थोड़ा सा जीरा चाहिए होता है ना, तड़का देने के लिए घी में, वैसे अगर कोई सभा करनी हो बुद्ध पर और बौद्धों को बुलाना हो तो बौद्ध नहीं मिलेंगे, छौंक देने भर के लिए भी नहीं मिलेंगे, है ही नहीं, सब खत्म हो गए हैं। दक्षिण में जाएं, अभी भी जैनों और बौद्धों की बड़ी बड़ी मूर्तियां मिलती हैं, इतनी बड़ी मूर्तियां कि हिंदुओं के मंदिर छोटे पड़ जाएं। तो हम बौद्धों और हिंदुओं पर चर्चा ना करें, अगर हम विचारकों की चर्चा करें और विचारों की चर्चा करें तो हम ये समझेंगे कि विचार कैसे उठते हैं और धीरे धीरे कैसे एक दिन वो गिर जाते हैं। जैसे फसल होती है ना, आप बीज डाल दें जमीन में, समय आने पर ही बीज उगता है,
फसल तैयार होती है, पकती है, फसल काट ली जाती है, वैसे ही इस देश में कभी बुद्ध के विचारों, बुद्ध के व्यक्तित्व के नाते कुछ विचार शुरू हुए थे, धीरे धीरे वो एक दिन फिर से गल गए। अब मैं नहीं समझता हूं कि उससे कोई बहुत आशा है या उससे कुछ बहुत काम बनना है, मैं नहीं समझता हूं। ये सब के सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, वो चाहे हिंदुओं के मंदिर हो चाहे जैनों के मंदिर हो। एक जैन मंदिर में गया तो देखा पूरा मूर्तियों से भरा हुआ है, छोटी छोटी मूर्तियां। मैंने पूछा यहां सत्संग कब होता है, तो जब महाराज जी आते हैं तब सत्संग हो जाता है बस। तो मैंने कहा मंदिर बंद रहता है? मंदिर बंद नहीं रहता है, मंदिर तो हमेशा खुला रहता है, यहां लोग हैं, पुजारी हैं, पूजा करने वाले रहते हैं, प्रवचन नहीं होता बस। मस्जिद में चले जाओ वहां बस सिर्फ नमाज पढ़ी जाती है और कुछ नहीं होता है। तो आप देखें वो चाहे हिंदुओं के मंदिर हो चाहे इस्लाम की जगह हो चाहे क्रिश्चियनिटी के, सभी जगह ये एक ही रंग में रंगे हैं। इसलिए मैंने कहा सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो गए हैं। अब वो चाहे बौद्ध रह गए हों या ना रह गए हों, इसी को ही कहा जाता है घर जोड़ने की माया। चमत्कार, अंधविश्वास, कर्मकांड, पूजा पद्धतियां, इसी में हम सब के सब रंगे हुए हैं। अब इसके लिए तुम बौद्धों को दोषी दो ये ठीक नहीं है भाई, हम सभी में वो बुराइयां हैं। फिर से इंतजार करो, फिर से सोचो कोई एक ऐसा बुद्ध जैसा कोई पैदा हो और फिर वह इस मशीन को जिसमें जंग लग गया है, जिसकी चेन टूट गई है, जिसके पहियों की हवा निकल गई है, फिर से उस धर्म की मशीनरी को जागृत करे, जीवंत करे। फिर से इंतजार करो, बाकी जो पुराना सिस्टम है ये बस इसको चलाते रहना है, इसमें कोई बहुत जान नहीं बची है। ये एक ऐसी साइकिल है, धर्म एक ऐसी साइकिल है जिस पर बैठ करके 10 मीटर भी नहीं चला जा सकता है, उसमें चेन नहीं है, उसमें हवा नहीं है, उसमें सीट नहीं है। क्या है? दिखती है कि ये साइकिल है, बस खत्म, बाकी इसमें कोई दम नहीं है। इसलिए बौद्धों की आलोचना, हिंदुओं की आलोचना, हिंदुओं की आलोचना, इसमें हमारा रुझान नहीं है। थोड़ी कुछ चर्चा जो बुद्ध ने कभी शुरू की थी, और ये तरीके की मुर्दा चर्चा है, मैं ये भी कहूं, मैं जानता हूं ये मुर्दा चर्चा है, क्योंकि इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। ये पूरा का पूरा सिस्टम ही कोलैप्स कर गया है, सिर्फ कमाने खाने का एक जरिया है, एक धंधा है पूरी दुनिया में धर्म आज की तारीख में, और कुछ नहीं है। और ये थोड़ी सी कुछ चर्चा हम कर देते हैं इसलिए कि कहीं मन में एक कसक सी होती है और ऐसे ही करते करते विदा हो जाना है, कहते कहते और आपका सुनते सुनते, बस इतना ही साहेब बंदगी।